तो हेलो दोस्तों, मैं मनु स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खूनीगर्स में। तो गाइस आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं डीजे टीगल से वन टैप शॉट ट्रिक के बारे में। तो गाइस देखो, आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि डीजे टीगल गन यूज़ तो करते हैं लेकिन आप लोगों के वन टैप शॉट नहीं पड़ते हैं। आप लोग डीजे टीगल गन जब भी यूज़ करते हो उस टाइम पर आप लोगों की एमओ या तो हॉम फायर होंगी या फिर आप लोगों की गन है वो रिकॉल खा जाएगी या फिर आप लोगों के बॉडी शॉट बजा जाते हैं। और गाइस अगर आप लोग हेडशॉट पड़ेंगे या फिर वन टैप जब भी पड़ेंगे वो तुक्के में हेडशॉट या फिर तुक्के में वन टैप पड़ते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको ईजी और सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ कि जब भी आप लोग डिजिटल गन यूज करोगे तो आप लोग की पहली या दूसरी गोली सारे बंदे को सीधा वन टैप ही पड़ेगी। तो बिना किस टाइम वेस्ट के हम करते हैं वीडियो के स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में 100 डायमंड का गवा पे चले जाएंगे। आप में से किसी भी रैंडमली बंदे को मेरी तरफ से 100 डायमंड वो दी जाएंगे। तो गाइस अगर आप लोग गवा पे पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पर आप लोगों को अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डाल देना है। मेरी तरफ से मैं आप में से किसी भी रैंडमली बंदे को 100 डायमंड वो दे दूंगा। तो गाइस अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूं, जो कुछ भी दिखाने वाला हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है कि आप लोगों को डिजिटल से वन टैप किस तरीके से मानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की ट्रिक के बारे में कि अगर आप लोग डीजे टीगल गन यूज करते तो उस टाइम पे आप लोगों को ऐसी कौन सी ट्रिक फॉलो करनी है जिससे कि आप लोगों के डीजे टीगल से हेडशॉट पड़ने के चांस 99% तक बढ़ जाए। तो जब भी आप लोग किसी सराउंड बंदे को डीजे टीगल से वन टैप शॉट मारो तो उस टाइम पे आप लोगों को हमेशा एक ट्रिक फॉलो करनी है कि आप लोगों को एक गोली फायर करते ही तुरंत अपनी गन को रिलोड पर लगाना है। अब इसको हम बोलते हैं रिलोड डीजे टीगल वन टैप शॉट ट्रिक, यानी कि जैसे आप लोग एक फायर करो तुरंत आप लोग गन रिलोड पर लगानी है, देन उसके बाद आप लोगों को सेकंड फायर करनी है, देन उसके तुरंत बाद आप लोगों को वापस से गन रिलोड पर लगा के वापस से फायर करनी है। भी बड़े बड़े प्लेयर आप लोगों ने देखे होंगे वो हमेशा एक ट्रिक फॉलो करते हैं कि एक फायर करते हैं देन उसके तुरंत बाद ही अपनी गन को रिलोड पर लगाते हैं। इससे क्या होता है गाइस आप लोगों का जो एम होता है वो सामने बंदे पर परफेक्ट हो जाता है, पर आप लोग अपनी एम को सामने बंदे पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। तो ये आप लोगों की पहली ट्रिक। अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडशॉट ट्रिक के बारे में। तो देखो आप लोग जब डीजे टीगल गन यूज करते हो उस टाइम पे आप लोग कुछ इस तरीके से रन करते हो। रन करने के बाद आप लोगों को हमेशा एक काम करना है कि आप लोग रन करते करते टाइम अपनी जो जॉयस्टिक होती है ना उसको आप लोगों को राइट साइड की तरफ खींचना है। अब देखो आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा इसलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को पूरा का पूरा स्लो मोशन में करके आप लोगों को समझा रहा हूँ, देन इसको यहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान से समझना है। देखो जब भी आप लोग किसी सराउंड बंदे को वन टैप शॉट मारते हो तो उस टाइम पर कुछ इस तरीके से रन करते हो। रन करने के बाद आप लोग अपने हाथ में गन लेनी है, गन लेने के बाद आप लोगों को जो अपनी जॉयस्टिक होती है उसे कुछ इस तरीके से राइट साइड की तरफ खींचना है। राइट साइड की तरफ खींचने के बाद आप लोगों को सराउंड बंदे पे फायर कर देना है, उसके तुरंत बाद ही आप लोग रन वाला बटन दबा सकते हो या फिर गन स्विच वाला बटन दबा सकते हो। अगर आप लोग ये वाली ट्रिक को फॉलो करते हो या फिर ये वाली ट्रिक को अगर आप लोग यूज करते हो तो उस टाइम पे भी आप लोगों के हेडशॉट पड़ने के चांस 99% तक बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं खुद पर्सनली इन ट्रिक को यूज करता हूँ तभी मेरे डीजे टीगल से बहुत भयंकर भयंकर वाले हेडशॉट पड़ते हैं, तो आप लोगों को भी इस ट्रिक को यूज करना है हमेशा। तो ये आप लोगों की दूसरी ट्रिक। अभी हम बात करते हैं तीसरी और इंपॉर्टेंट हेडशॉट ट्रिक के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार देखो 5 लाख फैमिली के हम बहुत ज्यादा करीब हैं और सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं। तो मेरे भाई अगर आप में से एक एक बंदा भी सब्सक्राइब करेगा तो हमारी 5 लाख फैमिली बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे की साइड देखो आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा। यार सब्सक्राइब करने में सिर्फ और सिर्फ आपका 10 सेकंड या 15 सेकंड लगता है, तो छोटा भाई समझ के जल्दी से जल्दी 5 लाख फैमिली अपनी कंप्लीट करवा दो। यार देखो 5 लाख फैमिली का बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ कि कब मेरी 5 लाख फैमिली कंप्लीट हो, थोड़ी सी खुशी मेरे को भी मिलती है। तो यार हो सके तो छोटा भाई समझ के लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। चलो भाई अभी हम बात करते हैं तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडशॉट ट्रिक के बारे में। आप लोगों की तीसरी और सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट हेडशॉट ट्रिक है वो है आप लोगों की सेंसिटिविटी। अब देखो फ्री फायर के अंदर आप लोगों की हर गन की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, तो इसी तरीके से आप लोगों की जो डीजे टीगल गन है उसकी भी कुछ सेंसिटिविटी अलग ही है। क्योंकि फ्री फायर के अंदर जो आप लोगों की डीजे टीगल गन होती है उसके अंदर आपको कोई भी स्कोप देखने को नहीं मिलता, तो आप लोगों की इसमें स्कोप सेंसिटिविटी वर्क नहीं करती है। फ्री फायर के अंदर जो आप लोगों की डीजे टीगल गन होती है उसमें आपकी सिर्फ 2 सेंसिटिविटी वर्क करती है, पहली तो होती है आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी और दूसरी है आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी। अब आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी और जनरल सेंसिटिविटी ऐसी कितनी रखनी है जिससे आप लोगों के नेक्स्ट लेवल के वन टैप शॉट पड़े। तो सबसे पहले हम बात करने वाले जनरल सेंसिटिविटी के बारे में। अगर यहाँ पर मैं आपको जो सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ वो लेटेस्ट सेंसिटिविटी है, ठीक है, अभी के टाइम पर जो वर्किंग ट्रिक है या फिर जो वर्किंग सेंसिटिविटी है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को जनरल सेंसिटिविटी जो है उसे कर देना 93। ये तो आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी ऐसी कितनी रखनी है जिससे आप लोगों की गन रिकॉल ना हो या फिर आप लोग जब भी रेड एम करके बंदे को मारो आप लोगों का सीधा वन टैप पड़े। तो आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी है उसे आप लोगों को 99% कर देना, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग कितने जीबी रैम मोबाइल में खेलते हो या फिर आप लोगों के पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप लोग जब कमेंट करने जाओगे वहां पर आप लोगों को एक लिंक दिखेगी जो कि गाइस मैंने अपना आज एक ब्लॉग बनाया, ठीक है, मेरे कुत्ती के ऊपर मैंने ब्लॉग बना के डाला है। अगर आप लोगों को ब्लॉग देखना है तो सेकंड चैनल पर उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। आज का वो ब्लॉग जाके पूरा देख लेना, अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।